दोस्तों मैं हूं शफीक और स्वागत है आपका लाइफ इंफॉर्मेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों बाहर जो है कि कंट्री से इंडिया जाने के लिए बहुत सारे लोग परेशान हैं और बहुत सारे लोग जो है कि इंडियन एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन करते हैं, चाहे वो दुबई हो, सऊदी हो, कतर हो, ओमान हो, बहरीन हो, मस्कत हो, कहीं पर भी हो रजिस्ट्रेशन करते हैं और उनका नंबर नहीं आता है। लोग बहुत परेशान होते हैं क्योंकि जो है कि उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, क्योंकि इससे पहले होता क्या था कि सिर्फ जो है कि एयर इंडिया को जो है कि उड़ान करने की इजाज़त थी और इंडिया ही उड़ान करती थी सारा जगह से। लेकिन अब खुशखबरी है, अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो लोग परेशान थे कि आप लोगों का परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो है कि फेज थ्री के तहत जो फ्लाइट चलाई जा रही हैं इनमें और कुछ फेज टू में भी जो है कि इंडिगो फ्लाइट, इंडिगो एयरलाइंस को भी इंक्लूड किया गया है, इंडिगो एयरलाइंस को जोड़ा गया है, जो कि अब एयर इंडिया और इंडिगो एयरलाइंस दोनों मिलकर के इवैक्यूएशन यानी स्टैंडर्ड पीपल जो लोग बाहर फंसे हुए हैं उनको इंडिया वापस लाएगी। तो इससे होगा क्या कि जब दो एयरलाइंस जो जुड़ गई हैं तो एयरलाइंस का फ्लाइट का जो तादाद जो है उसका क्वांटिटी जो है कि बढ़ गई है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वापस इंडिया आ सकेंगे। तो ये कुछ छोटी सी न्यूज़ थी, मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। इसी तरह से और भी फ्लाइट से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी और फ्लाइट अपडेट के साथ किसी और वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।